भाई माँ कसम मेरे को आपसे बात पूछने का आप अक्खा लाइफ में कभी एम e. का नाम सुना है क्या अबे ये ये तो उसी कंपनी का नाम है ना एम e. जो आई में टीमों को स्पॉन्सर करती है माँ कसम भाई आप एकदम सही पहचाना एम यूनिवर्सिटी क्या है ना हर जगह पैसा डालती है में कबड्डी में आईपीएल में नेबू में लसुन में धनिया में लेकिन खाली बच्चा लोग के प्लेसमेंट में एमई यूनिवर्सिटी e. एक पैसा नहीं डालती है मालूम क्या मस्त बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया इसने। लगता है इलाके में नए हो वरना शेर खान और एम यूनिवर्सिटी e. को कौन नहीं जानता शायद आपको जानकर यह हैरानी हो कि एम e. का एक साल का जितना टर्नओवर है उतनी शायद कई देशों की जीडीपी भी ना हो कभी ये मतलब समझ रहे ना तो वो मतलब ऐसा है कि मतलब प्लेसमेंट देते हैं मतलब दस लाख रुपए मतलब फीस ली इंजीनियरिंग के लौंडे से समझते हो ना उसको ग्यारह हजार और बारह हजार रुपये की नौकरी समझते हो मतलब टेक सपोर्ट में गुरु अभी वक्त है मतलब दिमाग की बत्ती जलाओ समझ रहे हो ना वरना बेटा फिनिश क्या करियर को देखिए वक्त जो है वो वो बदल चुका था हालात पहले जैसे नहीं थे भले ही एमटी जो है अपने बच्चों को प्लेसमेंट नहीं दे रहा था लेकिन ये जरूर थी कि अमिटी के बाद में जो है बच्चों को कपड़े पहनने का जो है सलीका आ जाता है मुझे लगता है कि ये चीजें जो है पांच लाख रुपए बर्बाद करके काफी है बच्चा जो है सहूदार हो जाता है हाय गाइस दिस इज आमिर खान मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत पैसा लगाया एमटी में लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला तो सवाल उठाइए, मेल करिए, कंप्लेन करिए, क्योंकि आपके पापा का पैसा बहुत मेहनत का यार पैसा कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए आज अगर तुम सवाल नहीं उठाओगे तो कल को दुनिया तुम्हारे पर सवाल उठाएगी अब फैसला आप पर है एक बात और पानी से आग ना बुझी तो मैं खाने की तरह चल निकला सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से लेकिन खुदा भी तेरा आशिक निकला <laughs> मैं बोल रहा हूं तुम सुनोगे सुनने के बाद फिर से भूल जाओगे कभी सोचा है एक सेमेस्टर पचहत्तर हजार डेढ़ लाख दो लाख सेमेस्टर फीस है लाख 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 साल में पैसा खर्चा कर रहे हो दस लाख रुपए प्लेसमेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिलता कभी लेकिन तुमने आवाज नहीं उठाई खुद को यूथ कहते हो हा? याद रखना आज अगर तुम लोगों ने सवाल नहीं उठाए कल को दुनिया तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएगी जानता हूं e. से कुछ सीख के निकले हो ना निकले हो एक बार जरूर सीख के निकले थे आ? लड़की कैसे पटाई जाती है अरे इसको छोड़ के भी कुछ सीख लो हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो गए प्लेसमेंट के नाम पे यह तुम्हारी यूनिवर्सिटी दुनिया के हर जगह पर पैसा बर्बाद कर रही है सिवाय तुम लोगों पर उठाओ सवाल उठाओ वरना कल को ये मत बोलना देश में नौकरी नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट के नाम पर तुमसे पैसा लिया जाता है लेकिन प्लेसमेंट के नाम पे घंटा आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि एक आम परिवार का बाप लोन लेकर खेती बेचकर पैसे हुए इकट्ठा कर, कर अपने बच्चे को स्कूल पर भेजता है लोग उसे एम यूनिवर्सिटी कहते हैं लेकिन उस बच्चे को कॉलेज से निकलने के बाद में प्लेसमेंट नहीं मिलता गुड़ा है ये पाप है और मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये सब बोलिए अब तुम तो लोग मेरी सुनो मेरे को सिर्फ एक चीज से लफड़ा है ये एम की बच्चियां बच्चिया क्यों बोलती हैं अरे बाबा रे बाबा अरे कोई इनसे जाकर पूछो कि एक के बाद कितना डब्लू होना चाहिए ये बात बात में ओ क्या होता है अरे बाबा रे बाबा अरे बाबू रो का दिमाग खराब किया ना ये पकड़ के मारूंगा भाई मैं तो ये कहता हूं एमिटी की लड़कियां जितना कुत्ते बिल्लियों को प्यार करती हैं, उतना कहीं एमिटी के लड़कों को प्यार करना शुरू कर देती तो देश में दारूबाज और बेरोजगार दोनों कम हो जाते भाइयों बहनों मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में एमिटी यूनिवर्सिटी के लड़कों ने यह सिगरेट पान के टपरी में जो उधार किया है मात्र वो लौटा दें भाई और बहनों हम दुनिया के सबसे सब बड़ी शक्ति बन जाएंगे एमिटी का प्लेसमेंट ना देना एक वजह हो सकती है लेकिन एक दूसरी वजह भी है क्लास का वो पहला दिन जब लड़की हमारी क्लास में आती है और मुस्कुराकर हमसे ही कहती है एक्सक्यूज मी डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन और हम मुस्कुराते हुए अपना दिल जिगर जान गुर्दा और करियर सब उसके हाथों में दे देते हैं। बच के रहिए। इतनी जल्दी अपने दिल को मत हारिए बहुत पैसा लगाया है तुमने जब जॉब ढूंढने जाओगे तुम्हारी फट जाए जानता हूं प्लेसमेंट मिले ना मिले लेकिन वहां के स्टूडेंट को यह कहने का दम जरूर मिल जाता है कि हमारा कॉलेज IPL को स्पॉन्सर करता है फुटबॉल को स्पॉन्सर करता है आप भी अपने अमेटी के किसी दोस्त को टैग करिए और उससे पूछिए कि उसके कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा हो सकता है तो चार आपके आसपास ही हो चलता हूं धुआं में याद रखना हेलो गाइस मैं हूं जय विजय सचान प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लव यू अब क्या सोच रहे हो जल्दी से मैं वीडियो को शेयर करो